नीरज ने तो आज तक कभी हारना सीखा ही नहीं है। तो ठीक है, तो ओलंपिक में जाना और इंडिया के लिए एक गोल्ड मेडल जीत के लाना। हाँ, इंडिया लड़ाने में तो एक गोल्ड मेडल में जीत के रहूंगा। ठीक है, तो उसकी प्रैक्टिस बाहर जाके कर, कम से कम हम लोग यहाँ पे सो तो सकेंगे। ओ भाई, पंजे लड़ाने में गोल्ड मेडल जीतना इतना आसान बात नहीं है, बहुत दम चाहिए, समझा? तुझे क्या लगता है, मुझ में दम नहीं है? मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। कोई है यहाँ जो मुझसे पंजा लड़ाएगा? तू मुझसे पंजा लड़ाएगा? ना बाबा ना, मुझे तो इन सबसे बहुत डर डर लगता है। का? किसी में भी मुझसे पंजा लड़ाने की हिम्मत नहीं है, सब मुझसे डरते हैं। ए, मैं तुझसे नहीं डरता। हाँ अच्छा, तो फिर मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, मुझे तेरा चैलेंज एक्सेप्ट। गुड, अगर मैं हार गया तो जो भी तू कहेगा मैं करूंगा, लेकिन अगर तू हार गया तो फिर जो कुछ भी मैं कहूंगा तुझे वो करना पड़ेगा। मंजूर है? हाँ मंजूर है। चॉकलेट चाहिए हम सब के लिए अभी इसी वक्त। चॉकलेट? नहीं, रात को चॉकलेट कहाँ मिलेगी? जेब, चैलेंज इस चैलेंज, इसे चॉकलेट तो लानी ही पड़ेगी। ठीक है, मैं भी चॉकलेट लेता हूँ। चॉकलेट कहाँ से है? अरे तुझे क्या करने का है, तू आम खाना पेड़ क्यों गिनते रहते हैं? चल अभी बांट सबको। कहाँ से है? अरे उस दिन पार्टी ना बर्थडे थी ना, वही है। आओ आओ इंजॉय करो, मेरे चौथे हो ऐसे मौके बार बार मिलेंगे। तुम लोग भी क्या याद रखोगे किस टाइम कर रहे तुम्हारा पाला पड़ा। तुम्हारे पर्सनल हैबिट का इंस्पेक्शन होगा, यानी कि तुम कितने साफ सुथरे रहते हो ये देखा जाएगा। 3 और 3? यस कैप्टन सर, नंबर 1, मैंने आज 2 बार नहाया है। फिर भी लगते नहीं हो। एनीवे, मैं तुम्हारी बात नहीं, इन बच्चों की सफाई के बारे में बात कर रहा था। स्टैंड स्ट्रेट। दोनों टुकड़िया आमने सामने देखेगी, आमने सामने खड़ी हो। दांत दिखाओ। यस
सब पूरे हैं। मैंने कहा था दिखाओ। कट। हाथ दिखाओ। सर नाखून काटे हैं। उंगली दिखाओ। ये काटे हैं। कल सुबह तक कटे होने चाहिए। कान दिखाओ। गुड, साफ है। अब तुम कुछ कुछ डिसिप्लिन सीख रहे हो। थैंक यू सर। इसका मतलब अब हम घर जा सकते हैं ना? नो, अभी बहुत कुछ सीखना है तुम लोगों को यहाँ पे। हाथ नहीं, नाक। साफ है। मुझे आपकी सब बात सुनाई दे रही है। गुड, गुड। हाथ दिखा। गुड। शैम्पू से नहाया है। गुड। हाथ दिखाओ। गुड। तुमने नाखून क्यों नहीं काटे? सर मुझे भी नाखून काटने पड़ेंगे। क्यों, तुम क्यों नहीं काटोगे? क्योंकि सर हमेशा मैं नाखून बढ़ाती हूँ। वो क्यों? वो सर फाइटिंग करने के। ओह शट, कल सुबह तक कटे होने चाहिए। ऑलराइट, अब सब मैच प्रैक्टिस के लिए जाएंगे। डायनामाइट, क्विक मैच, डबल मैच। आइए 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 ना, आइए। देखिए बॉस, अपन ने किसको लाया? बॉस अपन ने लाया है। ये नहीं लाया अपन, ने लाया हम। मैं लाया सर। आप बाय द वे, ये अजीबोगरीब आदमी है कौन? वायरस वायरस वायरस। अरे इस बीमारी को मेरे वहां क्यों लेके आए? प्लीज आप जाइए भाई साहब, आप यहाँ से जाइए, प्लीज जाइए। ये वो वायरस नहीं है बॉस, मिस्टर वायरस यानी डॉक्टर वायरस। हेलो, आई एम डॉक्टर वायरस फ्रॉम जंगली तलैया। अबे हटा तेरी हथलिया, ले जाओ उसको यहाँ से। ए, तुम लोग किसे पकड़ के लेकर आए हो? हाँ बॉस, मिस्टर वायरस हमारे प्लान को सक्सेस बना सकते हैं। इसलिए बॉस, क्योंकि इसके पास वो दवाई है जिसके पीते ही आदमी बेहोश हो जाता है। यस बॉस, इनकी दवाई से पेंसिल ढूंढने वाला प्लानिंग सक्सेस हो सकता है बॉस। यस। सच बोल रहे तू? तेरे पास ऐसी कोई दवा है? जी हाँ, मेरे पास ऐसी दवा है। अगर आप कहें तो मैं यहाँ पे इसी वक्त किसी को भी बेहोश कर सकता हूँ। बड़ी बड़ी बातें करना तो बहुत आसान है डॉक्टर भाई। सामने कोल्ड ड्रिंक की बाटलें पड़ी है, जाओ जाकर अपनी ये वाहियात दवा उसमें डाल दो। लेकिन मेरे दवा के पैसे? पैसे कैसे पैसे, यहाँ किसी को पैसे नहीं मिलते। मुंह मांगी कीमत मिलेगी सिर्फ काम होने के बाद, और वो भी TDS काट के। बस मुझे लगता है ये आदमी सच बोल रहा है। अभी पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। ले जाओ इसे। चलिए डॉक्टर वायरस, चलिए चलिए चलिए। बस मुझे लगता है ये आदमी सच बोल रहा है। अभी पता चल जाएगा, और अगर इसका प्लान सक्सेसफुल हो गया तो सारे बच्चे बेहोश हो जाएंगे, और ठीक उसी वक्त वो पेंसिल हमारे हाथ आ जाएगी। प्रैक्टिस से ही हमारे अंदर में डिसिप्लिन आ सकता है। कुछ ही दिनों में तुम कितने बदल गए हो। तुम कभी अपने पुराने फोटो से कंपेयर करना, बहुत हो गया। अब हम फिर से परेड शुरू करेंगे। अटेंशन, पीछे मुड़ेंगे,
पीछे मुड़। अब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़, लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट। अटेंशन 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 मर गए, पता नहीं अब क्या पनिशमेंट मिलेगी। तो ये डिसिप्लिन सीखा जा रहा है मेरे इंस्टीट्यूट में। शोर मचाने वाले मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। एक तो गलती करते हो, पसंद सफाई देने की कोशिश करते हो। मेरे इंस्टीट्यूट में रूल्स तोड़ने वाले को मैं कभी बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए दोनों टीमों को नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे और तुम्हारी ये सजा है। आज ना तुम्हें लंच मिलेगा, ना डिनर, ना चाय, ना नाश्ता। अल्फा टीम, चार्ली टीम अपने अपने कमरे में बंद रहेगी, कोई बाहर नहीं निकलेगा। Is that clear? मैंने पूछा, Is that clear? Yes, Captain. Yes, Captain, sir, number one. All right. And sit. हाँ करण, तुम कैप्टन बख्शी के इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ बताना चाहते थे? हाँ आंटी, मैं आपको ये बताना चाहता था कि आंटी आप प्लीज संजू को वापस बुला लीजिए बस। क्यों? आंटी वो बहुत बकवास इंस्टीट्यूट है। तुम भी कुछ बोलो ना प्रिया। हाँ आंटी, बहुत बकवास इंस्टीट्यूट है, बहुत बकवास। तुम लोगों को कैसे पता? आंटी हमें कैसे पता? आंटी हाँ, एक्चुअली हमें एक बच्चा मिला था। आंटी वो इस इंस्टीट्यूट में जा चुका है। आंटी वो हम लोग को बता रहा था कि इस इंस्टीट्यूट में बच्चों को बच्चों की तरह समझा ही नहीं जाता है। तो फिर क्या समझा जाता है? आंटी उनके साथ एकदम बड़ों जैसा ट्रीट किया जाता है, बड़ों जैसा टेंशन, बड़ों जैसा डिसिप्लिन। अब आप ही बताइए आंटी, संजू जैसे प्यारे मासूम बच्चे के साथ कोई ऐसा ट्रीट करेगा, क्या आपको अच्छा लगेगा? उसे वैसा ही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, तभी तो वो डिसिप्लिन में रहेगा। और शैतानी करने लगा था आंटी, मगर इतनी छोटी छोटी शैतानियां अगर छोटे छोटे प्यारे मासूम बच्चे नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? आई मीन आंटी, इतनी छोटी सी गलती के लिए आप इतनी बड़ी सजा देंगे उसे? करण एक बात बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि संजू ने तुम लोगों को मेरे पास भेजा है? नहीं नहीं आंटी, नॉट एट ऑल। देखो अब संजू कोई प्यारा सा छोटा मासूम बच्चा नहीं रहा है, वो बहुत शैतान हो गया है। वहां रहेगा तो कुछ अच्छी बातें सीखेगा। तुम लोग नहीं चाहते कि वो कोई अच्छी बातें सीखे? आंटी चाचा, आंटी सुनिए तो आंटी। करण यहां दाल नहीं करने वाली, चलो कहीं और जाके ट्राई करते हैं। यू नो व्हाट आई मीन? आई नो व्हाट यू मीन। चलो चलो तो बहुत ही बेअसर वायरस निकला। अरे इससे अच्छा तो फीवर वाला वायरस होता है, एटलीस्ट उससे फीवर तो होता है ना। सर गलती तो बड़ों बड़ों से हो जाती है। शट अप, बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है। मेरी दवा पीने के बाद घंटों तक आदमी बेहोश रहता है, यही कहा था ना तुमने? क्या हुआ, क्या हुआ उसको? तुम्हारी दवा पीने के बाद उनमें ज्यादा जोश आ गया, ज्यादा एनर्जी आ गई, वो उछल कूद करने लगे। मिस्टर वायरस, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सर मेरी बात तो सुनिए, आप पूरी बात तो सुन लीजिए मेरी। सिर्फ एक मिनट मिलेगा तुम्हें, जल्दी बताओ क्या बताना चाहते हो। सर ये हमारी कंपनी का एक नया फॉर्मूला है और अभी अभी ये एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर है, शायद इसीलिए इसका असर जो है उल्टा हो गया
और बच्चे जो है बेहोश होने की जगह एनर्जी से भर गए। तो तुम्हारा कहने का ये मतलब है कि तुम्हारी दवा पीने के बाद एनर्जी और बढ़ती है? सर अब लगता तो ऐसा ही है। तो ठीक है डॉक्टर वायरस, अब हम भी पियेंगे। हकला टकला। यस बॉस। बॉस बच्चे सॉफ्ट ड्रिंक जा लेकर आ। ओके बॉस। रुको भाई, एक आवाज निकाली ना तो बाहर निकाल के तुम्हारे कान में डाल दूंगा। ये लीजिए बॉस, लीजिए। कर लेंगे लेकिन आप बात तो सही है, अब हम लोग आराम करेंगे लेकिन ध्यान रहे कोई भी हॉल से बाहर नहीं जाएगा। नाउ डिस्पर्स। 110 रिपोर्टिंग सर 303, मैं वापस आ गया हूँ। हाय संजू। अटेंशन, सबसे पहले मैं 110 से बात करूंगा। तुमने कैप्टन सर नंबर 1 को रिपोर्ट दी? यस सर 303। ओके, तो अब तुम जा सकते हो, यहाँ इन बच्चों को पनिशमेंट मिला है, ये हॉल से बाहर नहीं जा सकते। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।